हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ फिर से कुछ साड़ी रियूज आइडिया शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इस वीडियो की खास बात ये है कि जो भी साड़ी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ना, ये साड़ी आपकी डिमांड पर आई हैं। एक्चुअली इंस्टा पर मुझे बहुत सारी पिक्स आती हैं जिससे रिलेटेड साड़ी रियूज आइडियाज आपने मांगे होते हैं, तो उसमें जो है ना मुझे आंसर देने में बहुत लेट हो जाता है, टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं खुद हैंडल करती हूँ तो आपके मैसेजेस जो है ना उनके आंसर देने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा है कि जो साड़ीज़ की पिक्स आपकी आई है ना उसके अकॉर्डिंग मैं साड़ीज़ मंगवा के फिर आपके साथ रियूज़ जो है आइडिया शेयर करूँगी। तो उन्हीं में से मैंने कुछ पिक्स उठाई हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी साड़ीज़ मंगवाई हैं, और आज मैं रियूज़ आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास भी पुरानी साड़ीज़ हैं और आप भी कुछ रियूज़ आइडिया चाहते हो तो मेरी इंस्टा आईडी पे आप अपनी साड़ीज़ की पिक्स भेज सकते हो। तो धीरे धीरे करके मैं सभी साड़ीज़ की रियूज़ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर एक एक करके मैं सभी साड़ीज़ के रियूज़ आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये साड़ी है मेरे पास रेड कलर की, बहुत ही प्यारा सा इसमें पैटर्न है, इस तरह से बूटे से बने हुए हैं इसमें, और एक तरफ का बॉर्डर जो है थोड़ा चौड़ा है, एक तरफ का थोड़ा सा थिन बॉर्डर है। तो इससे अपना जो ये मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ इसमें कुर्ती बहुत अच्छी बन जाएगी, मतलब बहुत ही सिंपल सॉबर सा अगर आपको लुक चाहिए तो इस तरह की कुर्ती बनवा लें। इसमें बस थोड़ा सा पैटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना इसको आप ऐसे कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं कि किसी भी तरफ को इसका डायरेक्शन इसकी कर दी, वैसा नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें इसी तरह से इसी डायरेक्शन में जो है ना आपकी ड्रेस बनेगी। जो साड़ी की विड्थ है इसमें से आप यहाँ से लेंथ निकाल सकते हो, दुपट्टा आप इसमें से निकाल सकते हो अगर आपको दुपट्टा चाहिए, लेकिन सिर्फ इसमें ये फ़र्क होगा कि एक तरफ का जो बॉर्डर है वो कम होगा, एक तरफ का ज़्यादा होगा, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो जब आप दुपट्टा लेते हो, कैरी करते हो दुपट्टे को, तो उसमें थोड़ा सा आप स्टाइल लगा सकते हो, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें से दुपट्टा और कुर्ती बड़े आराम से आपके निकल जाएंगे। तो बटन की डिटेलिंग देके आप कुर्ता सेट बना सकते हो। अब ये कुर्ता सेट देखिए, नीचे की तरफ आप बॉर्डर चाहें तो दें, नहीं चाहें तो भी ये सिंपल अगर इसी पैटर्न का यूज़ करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। दुपट्टा और कुर्ती सेट ये इस तरह के आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा कुर्ती को डिज़ाइनर लुक देना है तो इस तरह से हाई नेक टाइप में आप नेक लाइन बना लें, स्लीवलेस कुर्ती बनाएं और दुपट्टा साड़ी से ही निकाल लें, या फिर ट्राउज़र और कुर्ती आप साड़ी से निकाल लें और दुपट्टा इसके साथ कंट्रास्ट में ले लें, येलो कलर का दुपट्टा भी इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर एक बांधनी प्रिंट में दुपट्टे आते हैं वो भी बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें वो लेस वगैरह लगी होती है ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, येलो कलर में हो या फिर वो प्रिंटेड में हो, मतलब कंट्रास्ट में हो। नेक्स्ट आप इस तरह की कुर्ती बना सकते हो। और अगर आप बॉर्डर को ना पूरे को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, यहाँ से इस तरह से इतना बॉर्डर ही यूज़ करें, ये देखिए इतना आप मतलब बॉर्डर की ना जो थिकनेस है उसको कम कर सकते हो इस तरह से फोल्ड करके, तो आप जितना चाहते हो उतना आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। ऐसे अनारकली बना सकते हो आप इस साड़ी से। अगर आपको अनारकली के साथ जो है शरारा या स्कर्ट पहनना पसंद है तो साड़ी से आप स्कर्ट बना लें और अनारकली जो है प्लेन फैब्रिक से बना लें, तो ये बॉर्डर जो है वो पोंचों पे आ जाएगा, तो बहुत अच्छी सी एक ड्रेस बन जाएगी। साथ में दुपट्टा भी हाफ इसमें से क्रिएट कर लें, तो या फिर शरारा बना सकते हो आप, तो कुर्ती आप प्लेन फैब्रिक लेके भी बना सकते हो, मतलब बॉटम और दुपट्टा आप साड़ी से निकाल लें और कुर्ती जो है वो आप जॉर्जेट या शिफॉन फैब्रिक लेके ना उससे बना लें, बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी। इस तरह का अनारकली बन जाएगा। अब ये जो ऊपर की तरफ बॉर्डर है ना योक पार्ट में, वो बॉर्डर जो है ना बारीक करके आप इसमें अटैच कर सकते हो, क्योंकि इतना चौड़ा बॉर्डर तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इस तरह का भी पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें बस स्लीव्स पे ही ये डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन हमारी पूरी ड्रेस में डिज़ाइन बनेगा क्योंकि हमारी पूरी साड़ी में ये डिज़ाइन है, और बॉर्डर को आप पतला करके इस तरह से यूज़ कर सकते हो, सेम पैटर्न आपका इस तरह का बन जाएगा। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस मुझे लगी, बहुत ही सिंपल सॉबर सी स्लीवलेस आप योक पार्ट बनाएं, और नीचे फिर जो साड़ी मतलब जितनी भी बचती है ना उससे पूरे में घेर बना दें इस तरह से, और केन केन इसमें आप अटैच करें, बहुत ही अच्छा फ्लेयर भी बन जाएगा, देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। आप देख सकते हो सेम टू सेम आपकी ऐसी साड़ी से ना ड्रेस बन सकती है, कलर कोई भी हो सकता है। बॉर्डर से आप इसको हाफ करके इस तरह से इसमें से ही बेल्ट निकाल लें, या फिर ये वाली जो चीज़ है ना ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे इसका यूज़ करें बहुत ही प्यारा लगेगा।
फ्रंट स्लिट में इस तरह की कुर्ती बना सकते हो, कुर्ती या श्रग बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है या फिर पहले से कुर्ती है कोई अम्ब्रेला शेप में या अनारकली में, उसके लिए आप श्रग बना सकते हो ऊपर, बहुत ही अच्छा लगेगा। सेम टू सेम ये आपका बन जाएगा, वो चाहे फिर आप अनारकली में बनाएं चाहे अम्ब्रेला शेप में हो। ऐसा कुर्ता सेट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कुर्ती और दुपट्टा आप साड़ी से निकाल लें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी साड़ी में भी सेम ऐसा ही पैटर्न हो, ऐसा ही बॉर्डर हो। आपका हो सकता है इतना बॉर्डर इस साइड है तो इतना ही इधर होगा, तो भी और भी ज़्यादा अच्छा जो है आपका दुपट्टा लगेगा। तो ये लहंगा बन जाएगा, नीचे का जो बॉर्डर है ना इसको हम लहंगे में ले लेंगे और ऊपर वाला जो बॉर्डर है इससे बना लेंगे बेल्ट लहंगे की। ऐसी ड्रेस भी बन जाएगी, नीचे की तरफ ये जो है पूरे में बॉर्डर आ जाएगा, उससे नीचे भी आप रेड कलर का थोड़ा बहुत बॉर्डर ही जो है ना प्लेन यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो पूरा लुक अगर आपको इस तरह का देना है तो पल्लू का फैब्रिक आप योक पार्ट में यूज़ कर सकते हो। डिज़ाइनर स्लीव्स आ जाएंगी और योक पार्ट जो है पूरा आपका इससे बन जाएगा और घेर में नीचे की तरफ ये बॉर्डर आ जाएगा। ये भी फ्रंट स्लिट में बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बन जाएगी। ये देखिए बॉर्डर जो है आपको हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा और ये वाला जो बॉर्डर है ना आप फ्रंट स्लिट में इसको भी अटैच कर सकते हो इस तरह से। इतना फोल्ड करके दोनों तरफ को अगर अटैच कर लेंगे ना बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी। अब ये ड्रेस देखिए, योक पार्ट भी आप इसी कपड़े से बना लें, जो बॉटम पार्ट है वो भी इसी कपड़े से बन जाएगा और साइड में जो है बॉर्डर की चौड़ाई कम करके आप साइड में स्लिट बना लें। इस तरह की ड्रेसेस तो मैंने आपको कई बार दिखाई हैं, तो ऐसी ड्रेस तो आपकी बड़े आराम से बन जाएगी ऐसी साड़ी से। नेक्स्ट ये एक बेसिक पैटर्न है, इसमें भी आप पल्लू का यूज़ कर सकते हो अपर पार्ट में और लोअर पार्ट के लिए आप साड़ी का यूज़ कर सकते हो। फ्लेयर काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और अगर आपकी साड़ी की विड्थ ज़्यादा है ना तो फिर आप अम्ब्रेला शेप में कट करें, उसमें ना बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं होती है, कपड़ा वेस्ट भी नहीं होता है, बहुत ही मतलब फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो अम्ब्रेला शेप में कोशिश करें कि अम्ब्रेला शेप में कटिंग हो जाए। और कई बार होता है कि पैटर्न ही ऐसा होता है कि हम अम्ब्रेला शेप में कटिंग कर ही नहीं सकते, तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज आप अम्ब्रेला शेप में कटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये वाला पैटर्न भी जो है ना इस तरह की साड़ी से बन सकता है। नीचे की तरफ कुर्ती में ये बॉर्डर आ गया, ऊपर की तरफ आप इस पैटर्न को बारीक करके इस तरह से नेक लाइन पे लगा सकते हो। सॉलिड कलर में आप ट्राउजर ले लें या कंट्रास्ट में भी आप ले सकते हो, गोल्डन है आपके पास तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। ये पैटर्न है, ये भी आप इस साड़ी से बना सकते हो, इस तरह से नेक लाइन पे डिजाइनिंग कर सकते हो। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। जो भी मैंने आपको ड्रेसेस दिखाई ना, बहुत सारी ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट ये साड़ी है मेरे पास, ये दोनों तरफ में इसमें बॉर्डर्स हैं। नीचे में जो ये बॉटम वाला बॉर्डर है ये थोड़ा विड्थ में ज़्यादा है और इसमें पूरे में इस तरह का बहुत ही कलरफुल सा जो है ना इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, तो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये। इसमें से सबसे पहले तो मैं आपको कुर्ती बता देती हूँ। तो देखिए ये कुर्ती इस तरह की आप बना सकते हो, जो ऊपर की तरफ है ना ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा अपर पार्ट में और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आ जाएगा इसमें पल्ले पे, ठीक है। तो इस तरह की आप सिंपल सी कुर्ती बना लें और साथ में एक दुपट्टा निकाल लें। इस तरह के दुपट्टे भी काफ़ी ट्रेंड में हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लिए हुए हैं। तो एक कुर्ती और दुपट्टा बड़े आराम से इसमें से निकल जाएंगे सबसे पहले। तो नेक्स्ट ये जो पूरा जो बॉर्डर आप निकाल दें और इस डिज़ाइन को आप लेंथ में कट करके इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। तो ये नीचे की तरफ आप बॉर्डर अटैच कर सकते हो या अगर आपको बहुत चौड़े में बॉर्डर चाहिए तो इसको भी साथ में ही अटैच कर सकते हो। ये इस तरह से इसको ऐसे इसके साथ अटैच करना है, तो ये गोल्डन जो बॉर्डर है बीच में आ जाएगा और नीचे की तरफ फिर से ये वाला बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह से भी आप इसे डिज़ाइन दे सकते हो, कुर्ता सेट बना सकते हो। कॉलर वाला जो कुर्ता है ना बहुत अच्छा लगेगा इसमें, और साथ में आप सलवार बना लें सॉलिड कलर की, एक निकाल लें इसमें से दुपट्टा, दुपट्टा तो इसमें से निकल ही जाएगा अगर आप कुर्ता बनाते हो इसमें से। और अगर आप कुर्ती के साथ साथ प्लाजो या फिर मतलब बॉटम के लिए भी कुछ बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो दो चीज़ें तो एक साड़ी में से बड़े आराम से निकल जाती हैं, या तो कुर्ती और दुपट्टा निकाल लें या फिर कुर्ती और बॉटम निकाल लें। तो इस तरह का पठानी टाइप में है ना सूट जो है बहुत अच्छा लगेगा इसका। आप सलवार चाहें तो सॉलिड कलर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा अगर आप जो कंप्लीट सूट जो है इसी साड़ी से बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है ये। तो इसमें आप लाइनिंग ना लगाएं स्लीव्स के ऊपर और इस जो बॉर्डर है वो नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा, मतलब सेम अगर डिजाइनिंग कर देंगे ना तो ये वाली साड़ी जो है बहुत अच्छी लगने वाली है।
तो ऐसी ड्रेस भी आपकी इस साड़ी से बहुत अच्छे से बन जाएगी। मतलब आप यहाँ से ये बॉर्डर कट कर दें, ये हो गया बॉटम वाला पार्ट है, इसको आप विड्थ में बॉटम दे दें और अपर पार्ट जो है वो इसी कपड़े से निकाल लें, और स्लीव्स में जो है ना थोड़ा बहुत है ये जो है यहाँ बॉर्डर से एलिमेंट ऐड कर दें, बहुत ही अच्छी सी एक सेम ड्रेस बन जाएगी जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना। जो नेक है वो कॉलर वाला बना लें, मतलब आगे आगे आप जो है ना बटन्स की डिटेलिंग दे दें और कॉलर वाला नेक बना दें, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये नेक्स्ट जो ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी सेम ऐसे ही हैं, इसमें आप ये कर सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि आप ये वाला बॉर्डर उसके बाद इस बॉर्डर को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो, तो ये सेम इसी तरह का दिखेगा जब आप इसको दोनों बॉर्डर्स को आपस में अटैच कर दोगे। लेंथ भी काफ़ी बढ़ जाएगी और मतलब देखने में भी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की ड्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट ये भी सेम ड्रेस वैसे ही है जैसे मैंने पहले आपको दिखाई है कि आप कॉलर नेक बना लें और बटन्स की डिटेलिंग दे दें, साथ में डबल शेड में आप दुपट्टा जो है इसके साथ बना लें। ये सभी ड्रेसेस इसी तरह की हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हो इस तरह की साड़ी से। मतलब मैक्सिमम जो है ना आपको मैं इसी तरह के डिज़ाइन दिखाऊंगी इस तरह की साड़ी के लिए। कुर्ता सेट वगैरह जो है उतने अच्छे नहीं लगेंगे जितनी ये आपको फ्लोर लेंथ की ड्रेसेस जो हैं इससे अच्छी लगेंगे। दुपट्टा भी आपको मैं दिखा रही हूँ सेम इस तरह के दुपट्टे, काफ़ी ट्रेंड में आपने देखा होगा, ऑनलाइन भी इस तरह के दुपट्टे बहुत कॉस्टली मिलते हैं, तो अगर आपके पास साड़ी है तो उसमें से एक दुपट्टा भी आप निकाल सकते हो। अगर आपकी बहुत मतलब फेवरेट है साड़ी तो उसमें से दुपट्टा निकाल लें, दुपट्टे हमारे पास सालों साल पड़े रहते हैं, कई चीज़ों के साथ हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ड्रेस है, इसमें ना बॉर्डर जो है वो सेंटर में लिया हुआ है, इस तरह से आप सेंटर में बॉर्डर को जोड़ लें, उसके बाद इसको सेंटर में अटैच करें तो इस तरह का लुक आएगा जैसे आप ड्रेस देख रहे हो, और नीचे की तरफ फिर से यही कपड़ा जो है ना आप यूज़ करें तो बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी ड्रेस बन जाएगी। इस तरह की नेक पे जो है बटन्स की डिटेलिंग दे दें, बैंड नेक बना लें या कॉलर वाला नेक बना के नीचे की तरफ बॉर्डर आ जाएगा और कंट्रास्ट में आप दुपट्टा ऐड करें, बहुत प्यारा सा एक रियूज हो जाएगा। इस तरह की ड्रेस भी आप बना सकते हो ऐसी साड़ी से, बहुत प्यारी लगेगी। अंगरखा स्टाइल में इस तरह की कुर्ती बना लें, ऊपर की तरफ जो है बॉर्डर का कहीं भी यूज ना करें, इसी कपड़े का यूज करें और नीचे की तरफ जो है बॉर्डर लगा लें व ऊपर की तरफ बिल्कुल सिंपल सॉम्बर रहेगी। इस साड़ी के लिए मुझे सबसे प्यारा जो डिज़ाइन लगाना वो यही है, देखिए यहाँ से ये बॉर्डर कट हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा अपर पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, नीचे की तरफ ये आ जाएगा बॉर्डर इस तरह से, बहुत ही प्यारा जैसी ये ड्रेस है ना सेम वैसी बन जाएगी। और आप सॉलिड कलर का जो है अपर पार्ट बना सकते हो, योक पार्ट के लिए आप सेम सॉलिड कलर का एक कपड़ा ले लें, चाहे सिल्क में हो चाहे वो आप कॉटन सिल्क में ले लें, तो उसका यूज़ करें, ऊपर उसके लेस वगैरह की डिटेलिंग दे दें, बहुत प्यारी ड्रेस बनने वाली है। ये मेरे पास पर्पल कलर की साड़ी है, सिल्क में ही है वो साड़ी है, कांजीवरम सिल्क में है, पूरे में इस तरह का ये पैटर्न है, इसमें दोनों तरफ बॉर्डर्स हैं, एक तरफ जो है ना बॉर्डर की काफ़ी विड्थ है, तो इस तरह की अगर आपके पास साड़ी है तो जो सेंटर वाला पोर्शन है ना यहाँ से आप कुर्ता सेट निकाल सकते हो, इस तरह का कुर्ता सेट बना लें और जो नेक है स्लीव्स हैं उसके ऊपर डिटेलिंग दे दें, टिश्यू या फिर ऑर्गेंजा की लेसेस की, बहुत प्यारे प्यारे बॉर्डर्स कट वर्क में मिलते हैं लेसेस के, सेम कलर भी मिल जाता है तो उसकी डिटेलिंग दें, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि साड़ी से ये कुर्ता सेट बना हुआ है, साथ में टिश्यू का या ऑर्गेंजा का दुपट्टा ले लें तो इस तरह का कुर्ता सेट बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, और साथ में ट्राउजर भी आप इसी से निकाल लें। नेक्स्ट ये कुर्ता सेट है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको लेसेस वगैरह की भी मतलब डिटेलिंग नहीं देनी है, नहीं यूज़ करना है उसका, तो फिर आप दुपट्टा थोड़ा हैवी ले लें, कुर्ता सेट जो है सिंपल बना लें, दुपट्टा थोड़ा हैवी ले लें, जैसे जो भी कॉम्बिनेशन में है ना साड़ी उसी कॉम्बिनेशन में आप दुपट्टा ले लें अपने लिए, तो जैसे ये कॉपर है तो इसमें कॉपर में एम्ब्रॉयडरी हो, सीक्वेंस वर्क में हो, या ऑर्गेंजा के दुपट्टे बहुत अच्छे आते हैं जरी वर्क में, तो उस तरह का दुपट्टा भी आप इसके साथ जो है कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए कुर्ता सेट बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है, ये इसमें आप बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहें तो, और सिंपल भी बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी सही है, तो इस तरह का भी जो है ना लुक आ सकता है आपकी इस तरह की साड़ी से। ट्राउजर जो है आप सॉलिड कलर में ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपकी साड़ी में भी इसी तरह का बॉर्डर हो सकता है सिल्वर हो या थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से अपने कुर्ता सेट में। अब ये जो मेरी साड़ी में है ना मिलता जुलता फिर भी पता चल रहा है कि ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर का यूज़ इस तरह से आप कर सकते हो कुर्ता सेट में। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सॉबर सा एक डिज़ाइन, ये अनारकली, कुछ नहीं करना है, आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कपड़ा कम पड़ जाता है,
तो आप ये जो कपड़ा है ना, इसको अम्ब्रेला शेप में कट करके उसके बाद बॉर्डर आप उसमें अटैच कर सकते हो, मतलब लेंथ बढ़ाने के लिए। तो इस तरह का आप अनारकली बना सकते हो। नेक्स्ट, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक में ये कुर्ता और सलवार है, तो ये सलवार सूट भी बहुत ही अच्छा इस तरह का बनेगा। आप इसमें लेसेस वगैरह अटैच कर सकते हो, साथ में कॉम्बिनेशन में दुपट्टा ले सकते हो। दुपट्टे के मतलब कंट्रास्ट में आप कुर्ता सेट बना सकते हो इस तरह का। आप चाहें तो बॉर्डर का यूज़ करें, अदरवाइज और लेसेस वगैरह या और बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो अलग से, जो थोड़ा सा और भी ज़्यादा इसकी खूबसूरती को इनहेंस करे। तो नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारा सा एक अनारकली, तो देखिए बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है नीचे की तरफ। कॉलर वाला नेक बनाएं या बैंड वाला नेक बना लें, और बिल्कुल इस तरह से क्लोज नेक होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में स्लीव्स के ऊपर भी आप सेम बॉर्डर का काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, ये देखिए ये कुर्ता सेट इस तरह से बना हुआ है, प्लाजो और कुर्ती साथ में। तो प्लाजो जो है वो आप अम्ब्रेला शेप में बना लें, या फिर जो स्ट्रेट होता है प्लाजो वो भी आप बना सकते हो। और जो अगर आपने अम्ब्रेला में बनाना है, तो ये जो फैब्रिक है ना एक ही डिज़ाइन में, इसमें आप अम्ब्रेला शेप में कट कर लें प्लाजो, उसके बाद बॉर्डर अटैच कर सकते हैं उसके साथ, उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन अगर आप बनाना चाहते हो, तो इस तरह की कुर्ती बना लें। ए शेप में कुर्ती है, बी शेप में नेक है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी ज़्यादा डिज़ाइन नहीं की गई है। साथ में ट्राउज़र भी आप साड़ी में से ही निकाल सकते हो, दुपट्टा थोड़ा अलग ले लें। नेक्स्ट, ये कुर्ती देखिए आप, बहुत ही प्यारी सी बी शेप में ये कुर्ती है, जो आपकी वेस्ट लाइन है ना उसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी फिटिंग दी गई है। तो प्लाजो के लिए सॉलिड कलर में फैब्रिक ले लें, और दुपट्टा साथ में मैच करता हुआ एक ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, ये कुर्ता सेट है, बहुत ही सिंपल सॉबर है, बी शेप में नेक दिया गया है, और जो ट्राउजर है ना वो आप सॉलिड शेड में ले लें। जैसे ये देखिए, इसमें इस तरह का ये मैच करता हुआ आप सॉलिड में एक ट्राउजर बनवा लें, और साथ में दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी वाला ले लें, बहुत अच्छा जो है आपका कुर्ता सेट बन जाएगा। लेकिन जब आप एक कुर्ती निकालते हो ना एक साड़ी में से, तो उसमें से कपड़ा आपका बच जाता है, तो उससे आप दुपट्टा बना सकते हो, अदरवाइज वो सारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। मतलब पूरी साड़ी में से एक कुर्ती निकालना, मतलब वो काफ़ी वर्थ नहीं है। साड़ी खराब करने के बाद अगर आप एक कुर्ती निकालते हो, तो वो सही नहीं है, इसलिए आप एक दुपट्टा निकाल सकते हो। दुपट्टा जो है ना हमारा किसी ना किसी ड्रेस के साथ चल ही जाता है। ये जो पैटर्न है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस तरह की साड़ी के लिए। ये अंगरखा स्टाइल में कुर्ती बनी हुई है, और साथ में ये देखिए इसका सॉलिड फैब्रिक है ना साड़ी में, उसका यूज़ कर सकते हो आप इस तरह से पैटर्न बनाने के लिए। बहुत प्यारी कुर्ती बनेगी, मतलब पूरी साड़ी का यूज़ भी कर सकते हो, खूब सारा घेर रख सकते हो इस कुर्ती में, और साथ में दोनों कपड़ों का यूज़ कर सकते हो, तो इससे अलग ही यूनिक सा एक पैटर्न बन के निकलेगा। अभी ये देखिए, नेक्स्ट जो है, इस तरह की फ्रॉक स्टाइल में आप ड्रेस बना सकते हो। बी शेप नेक दिया है, प्लीटेड कुर्ती है, कुछ भी नहीं किया है, मतलब आप इसको एज अ ड्रेस और एज अ कुर्ती जो है वेयर कर सकते हो। ये ड्रेस भी इसी तरह की साड़ी से बन सकती है। अब यहाँ पे जो ब्लाउज का फैब्रिक है ना, उसका आप यूज़ कर सकते हो योक पार्ट पे। ये देखिए थोड़ी सी अलग डिज़ाइनिंग है ना, जब आप इस कपड़े के ऊपर इस कपड़े का यूज़ करोगे ना, तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से उभर के आएगा। ये जो डिज़ाइन है बना सकते हो बड़े आराम से, पूरी जो है ड्रेस इसकी बनेगी। उसके बाद जो आपको योक पे डिज़ाइनिंग करनी है ना, वो इस कपड़े से बना कर सकते हो। इस तरह की साड़ी से ना पार्टी वेयर ड्रेस बहुत अच्छी बनेगी। लॉन्ग गाउन जो है बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि पैटर्न जो है ना मिलता जुलता है बॉर्डर का और पूरी साड़ी का, तो उसकी वजह से ना बहुत ही ग्रेसफुल सी ये साड़ी है, बहुत ही ग्रेसफुल सा ये फैब्रिक है, तो सेम आपकी ड्रेस भी वैसे ही बनेगी। नेक्स्ट, ये साड़ी है मेरे पास गोल्डन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, कांजीवरम सिल्क में ये साड़ी है। इस तरह की साड़ी से बना सकते हैं हम इस तरह की फ्रॉक टाइप में ड्रेस। आप देख सकते हो कि इस तरह से जो योक पार्ट है ना, उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग कर सकते हो, स्लीवलेस बना लें ड्रेस, और साथ में जो है ट्राउजर भी आपका बीच में से ही निकल जाएगा, तो हाफ में प्लेन हाफ में जो है डिजाइनिंग वाला ट्राउजर आप इस तरह से बना सकते हो, तो बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बन जाएगी। आप चाहें तो कलियों में भी कट कर सकते हैं, अम्ब्रेला शेप में भी कटिंग हो जाएगी, या फिर प्लेटेड में भी आप चाहते हो तो प्लेटेड में भी कटिंग हो जाएगी। अब इस तरह का ये अगर पैटर्न है ना, जिसको आप किसी भी तरफ यूज़ कर सकते हो। कुछ पैटर्न होते हैं कि उसको ना हम एक ही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये है, इसको आप किसी भी तरफ को ले लेंगे ना, कटिंग कर लेंगे, तो इसका पता नहीं चलेगा उतना अच्छा लगेगा। मतलब ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस जो है वेस्टर्न लुक में है, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी इस तरह की साड़ी से। आप इसको वही सेम या तो इसमें प्लीटेड में बना लें, या कलियां कट कर लें, या फिर आप इसको अम्ब्रेला शेप में भी कट कर सकते हो। फुल स्लीव्स दी हुई है, वी शेप में नेक है,
थोड़ा सा नेक जो है डीप रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्लेयर काफ़ी सारा आ जाएगा क्योंकि लेंथ कम होगी ड्रेस की, तो जो लेंथ वाला पोर्शन होगा ना वो हमारा कवर हो जाएगा फ्लेयर में, तो बहुत प्यारा सा फ्लेयर आएगा और बहुत ही प्यारी ड्रेस बन जाएगी। नेक्स्ट ये बहुत ही प्यारा सा गाउन है, स्ट्रैप्स दिए गए हैं स्लीव्स की जगह पे और अपर पार्ट जो है थोड़ा सा डिज़ाइनर है, मतलब आप थोड़ा डीप नेक रख सकते हो इसमें, अम्ब्रेला शेप में कटिंग कर लें और नीचे की तरफ जो है बॉर्डर वगैरह ना लगाएं, उसकी जगह आप बॉर्डर अलग से जो है ना इससे मैच करता हुआ लगा सकते हो, जैसे सीक्वेंस वर्क में हो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हैवी जो है आपका गाउन बन जाएगा। सेम टू सेम ड्रेस आपकी इस तरह की साड़ी से बन जाएगी। अपर पार्ट जो है प्लेन में ले लें और जो ये वाला पोर्शन है साड़ी का इसको नीचे बॉटम में पूरे घेर में ले लें और जो प्लेन फैब्रिक है साड़ी में उससे बना लें योक पार्ट, और योक पार्ट पे साड़ी से वर्क के साथ मैच करता हुआ बॉर्डर अटैच कर लें, बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस आपकी क्रिएट होगी। हैवी सा दुपट्टा ले लें ऑर्गेंजा का या फिर ये टिश्यू में, बहुत प्यारे प्यारे दुपट्टे आते हैं आजकल, तो आप मतलब पूरी कंप्लीट ड्रेस बना सकते हो इस तरह की साड़ी से। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी कुर्ती और शरारा सूट बन जाएगा। शरारा आप खूब घेर वाला बना सकते हो, कुर्ती आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हो, और साथ में अगर कम विड्थ का दुपट्टा चाहिए आपको तो कम विड्थ का दुपट्टा भी निकल जाएगा, मतलब शरारा और दुपट्टा आप साड़ी से निकाल लें और कुर्ती जो है शिफॉन के फैब्रिक में या ये जॉर्जेट के फैब्रिक में आप अलग से भी ले सकते हो। इस तरह की साड़ी से पूरी ड्रेस निकाल लेंगे ना, मतलब शरारा भी उसी में से, कुर्ती भी, दुपट्टा भी थोड़ा बहुत उसी में से अगर निकाल लिया तो उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर आपको कंट्रास्ट में ये चीज़ करनी पड़ेगी कि शरारा और दुपट्टा आप ले लो साड़ी से और जो प्लेन फैब्रिक है साड़ी का उससे आप कुर्ती बना सकते हो। नेक्स्ट लहंगा तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा और जो बॉर्डर हैं इनको आपस में इस तरह से आपस में ऐसे जोड़ के जो है ना इसकी विड्थ बढ़ा के आप बॉर्डर जो है इसका चौड़ा कर सकते हो और अम्ब्रेला शेप में भी इसकी कटिंग हो जाएगी। इस तरह की साड़ी का ना ब्राइडल लहंगा भी बन सकता है, जैसे कई बार होता है कि कस्टमाइज जो है हमें लहंगा चाहिए होता है, तो एक बढ़िया सी साड़ी इस तरह की लेके, नई साड़ी लेके उससे भी आप लहंगा बना सकते हो अगर आपको यूनिक डिज़ाइन चाहिए हो तो। और दुपट्टे में भी सेम बॉर्डर ले लें और गोटा मिलता है किनारी वाला वो लगा दें, बहुत प्यारी लुक आएगी इसमें। नेक्स्ट ये इस तरह का लहंगा बन जाएगा, कोई बॉर्डर नहीं लिया है, बस जो भी इसमें प्रिंट था बीच में उसी का यूज़ किया हुआ है पूरे लहंगे में, और मतलब कुछ भी बॉर्डर वगैरह इसमें अटैच नहीं किया है, तो इस तरह का लहंगा भी आप बना सकते हो। इस तरह की ड्रेस बन जाएगी। इसमें पल्लू है ना साड़ी में उसका यूज़ कर सकते हो आप योक पार्ट में। इसका जो मतलब डिज़ाइन है थोड़ा डिफरेंट है, तो इसका यूज़ आप योक पार्ट में करेंगे, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। जैसे ये मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना सेम ड्रेस बन जाएगी आपकी। थोड़ा सा आप इसमें कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रीन कलर रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है, दुपट्टे में थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर लें या फिर कोई बॉर्डर वगैरह ग्रीन का लगा लें तो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, प्लीटेड ड्रेस बनाई हुई है, योक पार्ट जो है वो भी बिल्कुल ही सिंपल है, स्लीवलेस आप योक पार्ट बनाएं और नीचे प्लीटेड में आप घेर इसमें ऐड कर दें तो भी एक ड्रेस आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि ऑर्गेंजा में है, टाई एंड डाइम में है और ऑरेंज और रेड कलर का इसमें कॉम्बिनेशन है, और ये देखिए इसमें गोटा लगा हुआ है। बस ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एक कुर्ती, अम्ब्रेला शेप में ये कुर्ती है, आप देख सकते हो इसमें जो है ना, मतलब ये दो जो ऐसे कलर हैं इनमें से कोई भी एक कलर पिक करके आप सॉलिड कलर में फैब्रिक ले लें, चाहे वो क्रेप का हो या फिर शैंडून का हो, तो उसकी आप लाइनिंग लगा लें। लाइनिंग जो है ना उसको थोड़ा नीचे बढ़ा के लगाएं, 6-7 इंच जो है ना लाइनिंग बढ़ा के अगर लगेगी तो इस तरह का आपका फ्लेयर आ जाएगा नीचे की तरफ को, और ये जो साड़ी है इसका अपर पार्ट बन जाएगा, और योक पार्ट में भी आप जो सॉलिड कलर में फैब्रिक है उसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह की ड्रेस बहुत ही अच्छी बन जाएगी, जो सारी साड़ी है इसका आपका ऊपर वाला जो घेर है ना वो फ्लेयर आ जाएगा, काफ़ी अच्छा फ्लेयर बनेगा। स्लीव्स वगैरह आप इससे लगा सकते हो, गोटा पट्टी का यूज़ कर सकते हो, अम्ब्रेला शेप में ये कट किया हुआ है नीचे वाला पार्ट भी और ऊपर वाला भी। अगर आपने ऊपर वाला जो घेर है ना उसका बहुत ज्यादा घेर नहीं रखना है तो उसमें से एक दुपट्टा भी निकल जाएगा। जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो आपको 3.5 मीटर लेना पड़ेगा, और नीचे की तरफ जो बॉटम में है ना आप पीको करवा सकते हो। नेक्स्ट ये है, ये भी आप या तो प्लीटेड में या अम्ब्रेला शेप में ये ड्रेस बना सकते हो। योक पार्ट बहुत ही डिजाइनर सा है, इस तरह का लुक दे सकते हो वी शेप में। अगर आप इस तरह से प्लीट्स वगैरह नहीं डाल सकते हो खुद से तो फिर वी शेप दे दें और स्लीव बैलून दे दें और नीचे की तरफ जो है अम्ब्रेला शेप में ही घेर लगा दें,
बहुत ही अच्छी सी एक ड्रेस बन जाएगी। नेक्स्ट ये है बिल्कुल सिंपल एंड सॉबर, इसमें भी कुछ नहीं किया है, अम्ब्रेला शेप में ये कटिंग की गई है और अपर जो पार्ट है उसमें आप बटन की डिटेलिंग दे रहे हैं और स्लीव्स जो है आप ऑफ शोल्डर्स या फिर जैसे भी आपको अच्छी लगती है अच्छे से डिजाइनिंग करके स्लीव्स बना दें। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी, फ्लोर लेंथ तक ये आप ड्रेस बना सकते हो इस साड़ी से। नेक्स्ट ये देखिए फ्रंट स्लिट में ये कुर्ती है और प्लीटेड कुर्ती है, बिल्कुल सिंपल है, बनाना इसको बहुत ही आसान है। अगर आपको इसको थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देना है तो इसमें पैच वगैरह भी ऐड कर सकते हो जिस तरह से इसमें किए हुए हैं, बटन्स की डिटेलिंग दे सकते हो, बटन जो है फैंसी आप इसमें अटैच कर सकते हो, बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी। नेक्स्ट ये देखिए ये बहुत ही प्यारा अम्ब्रेला शेप सूट है, अपर पार्ट में राउंड शेप दे दें, वी शेप दे दें और स्लीव लेस बनाएं और जो कलियां जोड़ी हुई हैं इसमें, कलियों में आप गोटा या फिर ये इस तरह का जो ये मिल जाता है लेस वगैरह, तो इस तरह की लेस वगैरह आप अटैच कर सकते हो कलियां जब जोड़ते हैं उसमें, और साथ में मैच करता हुआ ही प्लाजो ले लें, कॉटन में ले लें वो आपकी मर्जी है, अगर शाइनिंग में लेना है तो फिर सिल्क फैब्रिक में ले लें तो बहुत ही प्यारा ये भी एक कुर्ता सेट बन जाएगा। इसी तरह की ड्रेस जो है ट्राउजर के साथ भी बहुत ही अच्छी लगेगी, दुपट्टा और एक अनारकली इस तरह की बहुत ही आराम से आपकी निकल जाएगी। हाँ फ्लेयर थोड़ा कम होगा कुर्ती का अगर आपको दुपट्टा निकालना है, और दुपट्टे की विड्थ है ना वो आप कम रख सकते हो तो फिर बड़े आराम से आपकी कुर्ती और दुपट्टा निकल जाएगा। जैसे इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है ना तो आप इसकी विड्थ कम कर सकते हो, दुपट्टे की यहाँ से विड्थ कम करके योक पार्ट है वो यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट ये है देखिए प्लाजो सेट है, बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट इस तरह का बन जाएगा। इससे जो प्लाजो है वो अम्ब्रेला शेप में है, कुर्ती शॉर्ट में है, तो अगर इस तरह से भी बनाते हो आप कुर्ता सेट तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। जो प्लाजो है बहुत ही अच्छे फ्लेयर में बन जाएगा, इसमें आप कॉटन की लाइनिंग भी लगा सकते हो, बस ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हल्की सी शाइनिंग चाहिए तो फिर आप सिल्क की लाइनिंग भी ले सकते हो। इस तरह की आपके पास साड़ी और स्कर्ट्स वगैरह पहन लेते हो तो इस तरह की ड्रेस आप बनवा लें, बहुत अच्छी लगेगी। मतलब साड़ी से ना आपकी स्कर्ट बन जाएगी, फुल फ्लेयर में आपकी स्कर्ट बन जाएगी, टॉप आप कैसा भी उसके साथ कैरी कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप टॉप मिल जाते हैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, तो इस तरह से आपकी बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। तो स्कर्ट आप देख सकते हो कितना अच्छा फ्लेयर है, केन केन स्कर्ट भी पहन सकते हो या फिर केन केन लगवा भी सकते हो, अदरवाइज इसका अपना भी फ्लेयर काफी होगा क्योंकि 5.25 मीटर के आसपास साड़ी होती है, तो उससे अगर आप एक स्कर्ट ही निकालते हो तो काफी अच्छी फ्लेयर वाइज स्कर्ट आपकी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसमें अम्ब्रेला शेप में आप ये स्कर्ट बनवाएं, मतलब कलियां वगैरह कट करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, ऊपर बेल्ट लगा के ट्रेसेस वगैरह की डिटेलिंग दे दें, बहुत अच्छी जो है आपकी स्कर्ट बन जाएगी इस तरह की साड़ी से। तो स्कर्ट तो आप कैसे भी शॉर्ट में लॉन्ग में कैसे भी बना सकते हो। उसके बाद ये देखिए आप फ्रॉक्स, आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में है तो इस तरह के फ्रॉक्स भी आप बना सकते हो, काफी अच्छा फ्लेयर आ जाएगा। बैलून शेप दे सकते हो स्लीव्स को और नेक जो है आप डिफरेंट स्टाइल के नेक जो है आप इसमें ट्राई कर सकते हो। अगर आप फ्रॉक्स वगैरह नहीं पहनते हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई हर तरह की ड्रेस पहन लेता हो, तो आप इस तरह की अंगरखा स्टाइल में लॉन्ग ड्रेस बना सकते हो, तो इस पूरी साड़ी में से जो है आपकी अंगरखा स्टाइल ड्रेस बड़े आराम से बन जाएगी। थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक देना है तो फिर कॉलर वगैरह पे आप लेस लगा सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो, या कोई फैब्रिक लेके ना, आजकल फैब्रिक बहुत अच्छे अच्छे आते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, उससे आप जो है कॉलर नेक बनवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए लहंगा स्टाइल में आप स्कर्ट बना सकते हो, लहंगे की तरह उसको यूज कर सकते हो। जैसे आप ब्लाउज हैवी ले लें, उसके बाद जो ब्लाउज वाला फैब्रिक है वो बेल्ट पे लगा लें स्कर्ट की, और नीचे की तरफ जो है जिस तरह का ये बॉर्डर है इस तरह का बारीक बॉर्डर भी आप लगा सकते हो, या फिर आप आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप लेस बॉर्डर लगाना चाहते हो नीचे की तरफ वो भी लगा सकते हो, या फिर ब्लाउज का जो फैब्रिक बचता है ना उसी का बॉर्डर आप नीचे की तरफ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये लहंगा, इसमें जो है ना नीचे की जो लाइनिंग है उसी को बढ़ा के रखा हुआ है और बहुत ही अच्छी सी एक फ्रिल वाला जो है ना नीचे की तरफ लुक आ रहा है, तो इस तरह का लहंगा भी आप बना सकते हो। और ब्लाउज जो हैवी हो जाएगा और जो स्कर्ट की बेल्ट है वो भी ब्लाउज के फैब्रिक से बन जाएगी। अभी नेक्स्ट ये देखिए ये जो है ना, इसमें आप मतलब पूरे में स्कर्ट बनवा के उसके ऊपर हैवी वर्क में कोई भी फैब्रिक जैसे गोल्डन है, सिल्वर, जो भी आपके मन का है वो लेके आप नीचे की तरफ बॉर्डर लगवा लें, और जो ब्लाउज है वो भी इसके साथ हैवी कैरी करें, और दुपट्टे में भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग दे देंगे गोटे वगैरह की, तो बहुत ही अच्छा सा ये लहंगा ऐसे रेडी हो जाएगा। अब इसमें भी ये देखिए फैब्रिक उससे बॉर्डर बना लें, नीचे की तरफ जो है ना कट वर्क में लेसेस मिलती हैं उनसे डिटेलिंग दे दें, तो बहुत ही प्यारा लहंगा भी ये रेडी हो गया, और साथ में ब्लाउज जो है गोल्डन गोल्डन या सिल्वर जो भी आपने यूज किया है बॉर्डर सेम वैसे ही आप ब्लाउज भी जो है कैरी कर सकते हो।
इन सभी ड्रेसेस में से आपको कुछ भी पसंद नहीं आता मान लो, तो आप कुर्ता सेट बनवा सकते हो। इस तरह का कुर्ता सेट बनवा लें, नेक लाइन है उस पे बटन्स की डिटेलिंग दे दें, और जो दुपट्टा है ना दुपट्टे में कट वर्क करवा लें, बहुत ही अच्छा सा एक जो है आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा। अब ये कुर्ता सेट देखिए, इसमें जो ना लटकन वाली लेस लगी हुई है, कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपल कुर्ता जो है क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर लेस की डिटेलिंग दी हुई है, और जो स्लीव्स है ना उसको आप थोड़ा यहाँ से अम्ब्रेला शेप दे दें और लटकन वाली लेस की डिटेलिंग दे दें, इससे एक पाकिस्तानी लुक भी आ जाएगा कुर्ती में, और दुपट्टा भी आप सेम साड़ी से ही निकाल लें। कुर्ते सेट के अलावा आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो, लेयर्स में ये ड्रेस बनी हुई है, बैलून शेप दी हुई है स्लीव्स में, चार पांच लेयर दे के आप इस तरह की फ्रॉक जो है ना बनवा सकते हो, तो पूरी साड़ी जो है बड़े आराम से रीयूज हो जाएगी और आपकी बहुत प्यारी सी एक ड्रेस में बन जाएगी, इसमें किसी भी लेस वगैरह की डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट ये आप फ्रॉक देखिए, मतलब ड्रेस ही है ये, वन पीस जैसे भी आप इसका यूज कर सकते हो, तो आप अपर जो पार्ट है ना इसका इस तरह का स्टाइलिश बना लें, नीचे की तरफ अम्ब्रेला शेप में कटिंग हुई है और उसके नीचे फ्रिल ऐड की हुई है, बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत ही इजी है, आप घर पे बड़े आराम से बना सकते हो। तो अगर आप इस तरह की ड्रेसेस भी देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इनकी भी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट आप ये अम्ब्रेला शेप में जो है पहले भी मैंने आपको दिखा दिया है, अम्ब्रेला शेप में कटिंग की हुई है, उसके बाद उसमें प्लीट्स डाले हुए हैं, मतलब यहाँ से जब हम अम्ब्रेला शेप में कटिंग करते हैं ना वहाँ थोड़ा हम लूज मतलब ज्यादा घेर रख लेते हैं, उसके बाद फिर वो जब हम उनको स्टिच करते हैं ना तो यहाँ पे प्लीट्स आ जाती है, तो इस तरह की ये भी एक कुर्ती बनी हुई है, तो इस तरह की कुर्ती भी आप बना सकते हो, साथ में दुपट्टा निकल जाएगा, दुपट्टा बिल्कुल पतला सा निकलेगा, बहुत ज्यादा वेस्ट वाला नहीं निकलेगा अगर आप कुर्ती फ्लेयर वाली बनाते हो तो। नेक्स्ट ये देखिए ड्रेस, ये भी सेम वैसे ही है, बैलून शेप दी हुई है, चकोर में जो है इसका नेक है बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है, और नीचे की तरफ जो सेंटर वाला पीस है वो अम्ब्रेला शेप में कट की हुआ है और नीचे की तरफ फ्रिल दी हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, जो साड़ीज बच गई हैं उन्हें नेक्स्ट किसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियोस तो आती ही रहेंगी, आपकी बहुत सारी पिक्स मेरे पास आई हुई हैं, तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।